ट्रैफिक पुलिस जम्मू तमाम जम्मू कश्मीर व लद्दाख के अवाम का स्वागत करती है। जैसा कि आप जानते हैं, अमरनाथ जी यात्रा 2022 जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग जो है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे लद्दाख का है, उनके मन में टाइमिंग के बारे में कुछ कंफ्यूजन है कि जो सिविल गाड़ियां हैं, लोकल गाड़ियां हैं, उनको कितने बजे छोड़ा जाता है और कितने बजे उनकी कट ऑफ टाइमिंग है। हम ये दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी टाइमिंग है 7:30 से लेके 11 बजे के बीच। 7:30 से लेके 11 बजे के बीच आपको नगरोटा क्रॉस करना है, उसके बाद किसी गाड़ी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। वैसा ही कश्मीर से है, कश्मीर से जो लोकल गाड़ियां, सिविल गाड़ियां हैं, उनको 11:30 से लेके 2 बजे तक उनको काजीकुंड क्रॉस करना है, उसके बाद किसी भी गाड़ी को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस टाइम के विपरीत अगर किसी को फिर भी कश्मीर जाना है या जम्मू आना है तो 9 to 12 हमारा जो मुगल रोड है वो थ्रू है, वो वहाँ से जा सकता है। अब आगे गाड़ियाँ जो HMV ऑयल टैंकर्स वगैरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी टाइमिंग ये है कि उनको उधमपुर जखैनी उधमपुर से उनको 4 बजे छोड़ा जाएगा और 8 बजे तक उनको जखैनी क्रॉस करना है, उसके बाद कोई भी हैवी मोटर व्हीकल नहीं जा सकता। वैसे ही काजीकुंड से जो टाइमिंग है वो है 2:30 से लेके 8 बजे तक जो काजीकुंड से है हैवी मोटर व्हीकल्स, वो 2:30 से लेके 8 बजे तक उनको काजीकुंड क्रॉस करना है, उसके बाद किसी भी गाड़ी को हैवी मोटर व्हीकल्स जो है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जो भी जेज कर रही है, ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है, आपकी सेफ्टी के लिए कर रही है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है टाइमिंग की, ये टिल द कंक्लूजन ऑफ अमरनाथ जी यात्रा 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है अमरनाथ यात्रा, और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब तक है, उसके बाद फिर वैसी टाइमिंग हो जाएगी जैसी हमारी ऑलरेडी चलती है। ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है, प्लीज़ ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें। थैंक यू सर।